जानते हो मदीना है क्यों दिल पसंद दोनों आलम का। ने कहा था बेटा उस नबी की निशानी ये होगी जब सदका देगा वो नहीं कबूल करेंगे, हदिया देगा ले लेंगे, और दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। तो मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सदका पेश किया, हुजूर ने खाया नहीं आगे बढ़ा दिया। दूसरी निशानी कभी जाहिर देखने के लिए हाजिर हुआ तो मैंने कहा हुजूर ये आपके लिए मैं जो है वो हदिया लाया हूँ। आप फरमाते कि हुजूर ने खाया भी, सहाबा को भी शामिल फरमाया। और तीसरी निशानी हुजूर बकरी की तरफ थे और मोहर नबूवत पर नज़र पड़ गई। मैं हुजूर से जाके चिमट गया, मोहरे नबूवत पे होठ रख दिए, चूमने लगा और रोता रहा। सहाबा देखते रहे। हुजूर ने फरमाया सलमान बस करो। मैं किनारे होके बैठ गया और सहाबा को जब मैंने अपने वाकया सुनाया तो सहाबा बेहोश पड़ने लगे थे। आना जाना लगा रहा। इस्लाम की दौलत से मालामाल हुए। हुजूर ने इस यहूदी से आज़ाद होने के हवाले से गुफ्तगू फरमाई। आपने आगे बात रखी तो कहा कि 300 पौधे लगा के दो और 40 ओके अचा दी, उसके बाद तुम आज़ाद हो। फिर क्या था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इन्होंने बात रखी तो हुजूर ने सहाबा से फरमाया अपने भाई की इमदाद करो। सहाबी उठे, कोई 10, कोई 20, कोई 30, कोई 50, कोई 100, बहुत कम वक्त में 300 पौधों की क्वान्टिटी पूरी होती है। और एक शख्स आया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुर्गी के अंडे के बराबर सोना देकर गया। हुजूर ने वो सोना उठाया और सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला की हथेली में रखा। अर्ज करते आका बहुत कलील है। सरकार फरमाते सलमान लेके जा, अल्लाह इसी में बरकत अता फरमा देगा। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला को हुजूर ने हुक्म फरमाया कि ज़मीन हमवार करो। आप आए, ज़मीन की खुदाई की। सहाबा इकराम की पूरी टीम के साथ सरकार यहाँ पर आए और सहाबा इकराम हुजूर के दश्ते मुबारक में पौधे रखते और हुजूर अपने हाथों से पौधे लगाया करते। हुजूर का यहाँ से गुजर भी हुआ है, हुजूर के लम्हात भी गुजरे हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम कहते गुजरे जिस राह से मुसय्यदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा के रहते हैं और रखे यहाँ साहिबे बसीरत किस तरह पाओ रखे यहाँ साहिबे बसीरत आंखें बिछी हुई हैं हर जा तेरी गली में है सारे नबियों का सरवर मदीने में है सब रसूलों का अफसर मदीने में है सब रसूल। नाज़रीन ये वो मकाम है जहां पर यहूदनों ने सय्यदा फातिमा जहरा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रदी अल्लाह ताला अन्हा को दावत पर मदऊ किया था और आपके कपड़े पर गलत कमेंट की तो अल्लाह पाक ने इसी मकाम पर रूहुल कुदस हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से आपके लिए जन्नती जोड़ा नाजिल फरमाया था। मदीना है मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, हाँ मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में। नाज़रीन मदीने पाक के ख़त्ते में हाजिर हैं। ये मकानात के हवाले से मशहूर है कि असहाब सुफ़ा के ये मकानात हैं। असहाब सुफ़ा की वो जमात थी जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के पीछे चबूतरे पर रहा करते थे। इनका काम था दीन सीखना, सिखाना, कुरान पाक का इल्म हासिल करना और दूसरों को सिखाना। इन मकाम और मकाम के हवाले से कुछ और भी बातें बताई जाती हैं। किसी और कबीले की तरफ भी इस मकाम को मनसूब किया
जाता है। इस मकान के हवाले से इंशाअल्लाह हम दूसरी वीडियो में मज़ीद डिटेल के साथ इंशाअल्लाह कलाम करेंगे। एतराफ़ की वादियाँ दिखा रहे हैं और असहाब सुफ़ा के दौरे कदीमा के मकानात सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला। नाज़रीन, यहाँ से हम बढ़ रहे हैं मस्जिद फजर की जानिब, जिसको मस्जिद उन्हें भी कहा जाता है। नाज़रीन, हमारा मदनी काफिला मस्जिद फजर मस्जिद उनैफ के अंदर इस वक्त आ चुका है। जैसा कि स्क्रीन पे आशिकाने रसूल को आप मुलाहदा कर रहे हैं, अल्लाह अकबर। जी हाँ, इसी मकाम पर हज़रत तलहा बिन बरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकान भी था। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ताज़ियत के लिए तशरीफ़ ले आए थे और नमाज भी इस मकाम पर अदा फरमाई थी। जी हाँ, ये वही मकाम है मस्जिद फजर जहाँ पे रसूल कायनात साहिब लौलाक सयाह अफलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अहले मदीना ने बड़े जज्बे के साथ इस्तकबाल किया था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने हिजरत फरमा के तशरीफ़ ले आए थे और बनू नज्जार की बच्चियों ने यहाँ पर डफ बजाया और पढ़ा, तल अल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबा शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ज़ायरीन भी और दुनिया में देखने वाले भी मेरे साथ मिल के आइए, हम मिल के पढ़ लेते हैं। طلع البدر علينا من ثنيات الوضع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا। इस मकाम पर फजर की नमाज भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई और बनू उनैब इस मकाम पर पानी का छिड़काव किया करते थे, खुशबू का छिड़काव किया करते थे। ये मकाम आम नहीं थी मदीने मनवरा में। इस मकाम पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ लाना और नमाज पढ़ना साबित है। 2042 हिजरी में आसार कदीमा के कब्जे में ये मकाम चला गया, अब देखभाल उनके जिम्मे सुपुर्द है। नाज़रीन, मुकद्दस मदीने की गलियों से गुजरते हुए बीर हजीम और मस्जिद अन्नूर की जानिब हम बढ़ रहे हैं। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नादरीन, हम उस मुकद्दस मकाम पर हैं जहाँ पर सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के दो करामतों का ज़हूर हुआ। दर हकीकत उन करामतों से जो ताल्लुक़ है वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मौजज़ात से ताल्लुक़ है। सहाबा की करामत भी है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा भी है। वो यूँ कि दो सहाबा इकराम हुज़ूर की बारगाह में हाजिर हुए, वापसी के वक्त रात हो चुकी थी, लाइट का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं था। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को एक छड़ी इनायत फरमाई। हुजूर का मौजज़ा था कि वह सहाबी के हाथ में जाते ही या टच होते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक से वो छड़ी टॉर्च की तरह रोशन हो जाती। अब उसकी रोशनी में दोनों सहाबा यहाँ तक आए, ये जो देख रहे हैं आप, ये इसका नाम है मस्जिद अन्नूर, नूर वाली मस्जिद। अब नूर वाली मस्जिद इसको कहा क्यों जाता है? जब वो दोनों सहाबा यहाँ तक आए तो यहाँ से दोनों सहाबा ने दो सिमतों की तरफ जाना था। छड़ी एक है, टॉर्च एक है, सिमत दो है, जाहिर एक की तरफ जा सकता है। दूसरे सहाबी ने दूसरी लकड़ी इसी मकाम पर टच की तो वो भी रोशन हो गया। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जमी को आसमा कर दे, सुरैया को सुरा कर दे। ये कुआं भी है जिसका नाम है बीर हजीम।
बीर हजीम का कुआं जो स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, ये वो मुकद्दस कुआं है जिसके हवाले से अहले मदीना बताते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर वजू फरमाया था और वजू का बचा हुआ पानी इस कुएं में दाखिल फरमाया था, मीठे पानी का चश्मा आज भी यहाँ। नाज़रीन, बकिया ज़ियारत तीसरी किस्त में मुलाहदा कीजिएगा।